अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफानिक ट्रस्ट में। करते हैं सुनो, बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे, मैं बिल्कुल कुदरत सलाफ और आप लोगों के वीडियो लेकर आए हैं अमित शाह सेवेज मोमेंट्स, बीजेपी हिंदू अमित शाह। तो आज करेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये तो होम मिनिस्टर है इंडिया का, देखते हैं क्या बोल रहे हैं इनके सेवेज मोमेंट्स। से भी हमेशा ऐसे इस बारी बारी बातें करता है। तो आज करने से पहले हमारे चैनल वाटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। जरूर करिए, अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है, क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानता हूँ मुझे। अभी कांग्रेस ने आज नक्सलवाद पर एक बड़ी बात कही है। वक्ता आए थे मनीष तिवारी कि नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए सेना की जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि हमने मांगा था, केंद्र सरकार ने उसको डिनाई कर दिया। जरा मनीष तिवारी जी सार्वजनिक करे, कहां मांगा था, किसके पास मांगा? अपनी पत्नी के पास मांगने से सेना नहीं आता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी का पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। And that is why we respect the people of Tamil Nadu. Narendra Modi, Tamil makkudaiya edri. Oh, ye kyun sitting kiya bhai? Oh boy. Main chhota sa ladka tha, 6-7 saal ka. Ye vaarta. Usme photo ki kitab thi. To nahi karna chahte. Kyun bhai, Mandya walon ki awaaz ko kya ho gaya? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರೇ ಮೇ ಬೋಲು ವಹಿ ಬೋಲೋ ಭಯ್ಯಾ, ಕಿತ್ನಾ ಬೋಲ ಮಾಂಡ್ಯ ವಾಲೋ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಮೋದಿ ಜಾನ್ ಮೋಟಾ ಜಸಾ ದಿಖಾ ದೋ ಕೋಲೇ ಭಾರಿ ಜಸಾ ಜೋ दादा, आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। yes. इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए। गुड, ये मेरे दिल की बात की थी, दरमियान मुझे क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। अच्छी बात है, जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीएको इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। भारत माता की, मुझे तो वही लाइन जो ही थोड़ा है। अमित शाह, ये थी वीडियो। जो थोड़ा उसकी लहजे जो बात कर रहा हो उसमें दम हो, उसकी जो पर्सनालिटी अच्छी हो कि बंदा भाई मतलब खतरनाक दिखे है ना, तो ये बिल्कुल इसी जगह पीछे तरह के एक दूसरे को जो दरमियान में ठोक रहा था, 10 मिनट देता हूँ, बोलो बोलो जो बोलना है बोलो भाई। अच्छा, वो एक जगह मुझे बहुत ही पसंद आया, जब क्या कहते हैं, जान दे देंगे, नहीं नहीं जान वाले नहीं, और दूसरा क्या नाम है दूसरी पार्टी का, कांग्रेस वाला का जो लीडर है पप्पू, राहुल गांधी जी बोल रहा है, वो कुछ और ही बोल रहा है, लेकिन वो दूसरा जो उसका ट्रांसलेट कर चीटिंग कर रहा था ना उसके साथ, तो वो समझ नहीं पाया कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ और ही बोल रहा है। लेकिन उन्होंने मोदी जी का नाम भी लिया, मेरे खान बीजेपी का नाम लिया, मोदी का नाम लिया, लेकिन यहाँ पे बंदा समझ गया कि जो मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलो, वही बोलो, अब क्या ज्यादा बोल रहे थे, कुछ और ना बोलो, सेंटेंस ज्यादा, भाई साहब को समझ आ गया कि जो मैं बोल रहा हूँ वही नहीं बोल रहे, लोगों को नहीं समझ आ रहा है। तो ये बताए ना, एक लीडर की निशानी अमित शाह की, काफी ऑलरेडी हम लोग बहुत वीडियो बना चुके हैं, ये फ्रेंड भी है पीएम मोदी का, मैंने सुना है ये होम मिनिस्टर है ना, हाँ ये होम मिनिस्टर है, तो काफी इनके हमेशा इतनी बारी बारी बातें होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब फॉर एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, लाइक जरूर करिए, तब तक लेकिन सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।